तो मैं निकल चुका हूँ अपनी कुछ बैकपैकिंग के साथ उत्तराखंड के अल्मोड़ा नैनीताल टूर पर, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश के लोगों के गजब रिएक्शन देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ में जब मेरे को भूख लगती है तो थोड़ी बैठ के खाना भी खा लेता हूँ बस। तो आप मेरा इस सफ़र का मजा लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ राइडर विकास भंडारी, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव आंपाटा का रहने वाला, और मैं निकल चुका हूँ एक छोटे से टूर के लिए जो कि मेरा होने वाला है अल्मोड़ा नैनीताल का। और इसमें करीब करीब मेरे को लग जाएंगे 5 से 6 दिन, तो देखते हैं कितने ही दिन लगते हैं या इससे ज़्यादा दिन लगते हैं वो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मैं घर से वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाया था तो बस अब स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये है कुछ अपनी बाइक पैकिंग, ये देख सकते हो, ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा, थोड़ी सी कपड़े ज़्यादा रखे हुए हैं मैंने क्योंकि उधर की साइड ठंडा हो सकता है। बाकी एक टेंट, एक मैट बैग, एक 2 बोतल रखी हुई मैंने पानी की एंड स्लीपिंग बैग, तो यही कुछ अपनी बैग पैकिंग है। बाकी जल्दी से निकलते हैं यार, मुझे ज़्यादा देर नहीं करनी है, मैंने अभी हरिद्वार क्रॉस नहीं किया है तो जल्दी से पहले हरिद्वार क्रॉस कर लेते हैं। बाकी यार ये जो मेरा टूर हो रहा है ना, ये सोलो टूर हो रहा है और अकेले जा रहा हूँ मैं नैनीताल, तो दिमाग में काफ़ी सारी बातें आ रही हैं। निकल तो चुका हूँ पर बातें बहुत सारी घूम रही हैं, कैसे होगा, क्या होगा, साथ में कोई और भी होता ना तो एक बार के लिए मैं ठीक भी था, बट अकेले निकल चुका हूँ। बाकी एक गुड न्यूज़ जो है ना वो मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा जब मैं उस जगह में पहुँच जाऊँगा, ठीक है। बाकी आप मेरा इस सफ़र का साथी बने रहिए। पहुंच चुका हूं महादेव की नगरी हरिद्वार में, तो सामने आपको महादेव का स्टैचू दिख रहा होगा, हर हर महादेव। और यहां से ना 2 रूट जा रहे हैं, ये तो जो जा रहा है ये रुड़की के लिए जा रहा है और एक ये मुड़ गया है चंडी घाट के लिए, बट मुझे ना रुड़की वाले रूट में नहीं जाना क्योंकि वहां से थोड़ी मेरे को लंबा पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं यहां से चंडी घाट होके जा रहा हूं। तो आगे चलते हैं भाई साहब, यहां पे देखो यार कांवड़ वालों की कितनी भीड़ हो रही है, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ना, ये देख सकते हो आप। ये है आपका चंडी घाट वाला रूट जहाँ से मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी नैनीताल। कहाँ से ले जाते हो अभी? बिजनौर, वहीं से आया, वहीं से ले जाओगे ऐसी पैदल? बढ़िया सर, मेरे को ना हल्द्वानी निकलना है। तो हल्द्वानी के लिए कौन सा रूट जाता है? हल्द्वानी के लिए आप सीधे यहाँ से आओ, आगे नैरोला पुल पड़ेगा तुम्हें। यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर होगा? 25-28 किलोमीटर है। अच्छा, तो नैरोला से गांव सीधा तुम, ठीक है, वहाँ से सीधा हल्द्वानी निकल जाएंगे। हाँ सीधा हल्द्वानी, सीधा नैरोला छोड़ना मत तुम। अच्छा, यहाँ से कितना बोला, कितने किलोमीटर है नैरोला? 29 किलोमीटर कम से कम, 28-29 नैरोला जाना। हाँ, उसके बाद वहाँ रेलवे क्रॉसिंग मिलेगा, रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके फिर रोड मिलेगी, रोड क्रॉस करके तो आगे जाके तो यहाँ से लगभग मेरा जो नैनीताल का जो रूट है वो करीब करीब मेरा 242 किलोमीटर का है, ये देख सकते हो आप 242 किलोमीटर, और मेरे को 242 किलोमीटर कवर करना है, तो आज तो नहीं हो पाएगा पर आज जितना भी होगा वो कवर करेंगे, तो देखते हैं यार कहाँ तक जा पाते हैं यहाँ से। दोस्तों मैं कम से कम 50 से 60 किलोमीटर में चल चुका हूँ और अब जाके ना मैं एक जगह में सड़क के किनारे ना यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है, तो भैया ने मेरे को रोक के बोला कि यहाँ पे भंडारा मतलब खाना खुना खा लो आप। तो अभी तो मेरे को भूख तो नहीं लगी है क्योंकि मैं अपने साथ खाना खुना तो लेके आया हूँ, तो मैं कुछ नहीं करता, यहाँ पे चाय भी लगी है, मैं चाय पी लेता हूँ और पानी अपनी रिफिल कर लेता हूँ यहाँ पे। कैसे हो? बढ़िया, आया कर दो एक बार, YouTube चलाते हो? YouTube क्या सर्च करोगे? राइडर विकास भंडारी, ठीक है, भंडारी याद रहेगा नाम। तो क्या करना है? सब्सक्राइब नहीं करना, क्या है सब्सक्राइब करना है ना, कर दोगे? कब करोगे? आज हो जाएगा, चलो देखते हैं फिर। हाँ मिलते हैं फिर आगे, बाय। तो दोस्तों यार मैं ना काफ़ी आगे आ गया,
हमने ये साइड देख लो, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड जंगल हैं। और दिन के बज चुके हैं 12, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस जंगल में फंसूँ, तो इसलिए मैं जितनी ज़्यादा हो सके उतनी स्पीड में साइकिल चला रहा हूँ और जल्दी से जल्दी कोई ऐसी जगह पहुँचूँ जहाँ मार्केट एरिया हो, क्योंकि गलती से इस जंगल में फंस गया ना तो दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। बाकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, रोड का काम भी चल रहा है। आई थिंक ये रोड ना चौड़ी कर रहा है। और अपनी जलपरी को यहाँ पे मैंने फ़िलहाल खड़ा करा हुआ है। और ये जो आपको रूट दिख रहा है, ये है नजीबाबाद वाला रूट। अभी मैं यहाँ से 15 किलोमीटर लगभग यहाँ से नजीबाबाद है, तो वहाँ पहुँचने वाला हूँ। बट मेरे पैर ना इतने दर्द हो चुके हैं कि क्या बताऊँ, क्योंकि मैंने चला ली है 70 किलोमीटर। और बट उससे पहले एक और चीज़ चेक कर रहा हूँ आपको, ये देखो कैनाल, भाई साहब पानी देखो इतना क्लियर दिख रहा होगा ना आपको, बिल्कुल नीचे की मिट्टी दिख रही है, हर एक एक चीज़ दिख रही है नीचे की, भाई गजब। पर इस पानी को देख के मेरे को नहाने का मन कर रहा है यार, क्या करूँ, नहा नहीं सकता पर मैं, है ना। पर जल्दी से चलो, मैं पहुँचता हूँ नजीबाबाद, क्योंकि अभी मेरा जो डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए जो मेरे कुछ किलोमीटर बचे हैं वो है 198 किलोमीटर। तो जल्दी से पहुँचते हैं। बाकी यार यहाँ पर देखो बाघ का चिन्ह बना रखा है, एक बार पास में जाके दिखाता हूँ मैं। अब कुछ ही शेर बाकी हैं, अभी भी वक्त है, यहाँ काफ़ी है। रेंज सहारनपुर बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद, देख लिया बाघ बना रखा। तो भाई इधर बाघ का डर है, तो इधर तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकता भाई रात को, अगर गलती से मेरे को लेट हो गए ना नजीबाबाद पहुँचने में, तो ऐसी जगह में रुकना पड़ेगा, फिर इन चीज़ों से खतरा है। चलो भाई जल्दी, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ, एक बार मैं बहुत पहले ना कोटद्वार गया था भर्ती में, तो इसी रूट से गया था पापा जी के साथ, इस रूट से, ये रूट मेरे को याद आ रहा है। बट हम आगे नजीबाबाद जाके ना हम कोटद्वार के लिए ना लेफ्ट मुड़ जाते हैं, बट हमें लेफ्ट नहीं मुड़ना, हमें मुड़ना है हल्द्वानी के लिए राइट, तो राइट से होके जाना। चलो फिर जल्दी पहुँचते यार। सो फ्रेंड्स, यार मैं उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुका हूँ। ये जो पूरा रूट दिख रहा है ना, ये पूरा उत्तर प्रदेश वाला ही रूट है। और थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगा अपना नजीबाबाद। थैंक यू भैया। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, यूपी में सबसे ज़्यादा ना गेहूँ की खेती होती है, और वो आज मैंने देख भी लिया है। ये देखिए आप, दूर दूर तक ना बिल्कुल गेहूँ की खेती करी भी है, और सामने गन्ने की खेती भी है। तो अभी भैया जा रहे थे ट्रैक्टर लेके गन्ने का, तो मैंने भैया से 2 गन्ने मांग लिया, तो भाई इसको खाऊँगा मैं बाद में। फिलहाल मैं यहाँ से जल्दी निकलता हूँ नजीबाबाद के लिए। बहुत ज़्यादा थक गया यार, बहुत ज़्यादा इतने चलने के बाद ना, अब जाके मेरे को पेट्रोल पंप मिला है, और वहाँ पे ना पानी भरने के लिए मैंने यहाँ से पानी अपना रिफ़िल कर लिया। बाकी यार यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी, सर तप गया यार मेरा पूरा। और अभी भी नजीबाबाद नहीं पहुँचा है, सिर्फ यहाँ से अब ना 3 किलोमीटर बचा नजीबाबाद, पहुँच जाऊँगा। तो अपनी जलपरी को मैंने पीछे खड़ा कर दिया, बाकी मैं यहाँ पे लंच कर रहा हूँ अभी। दिन के बज चुके हैं 1:30 बज चुके हैं, तो लंच का टाइम भी हो गया, तो लंच कर रहा हूँ, भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है। बाकी एक ग्लास मैंने गन्ने का जूस भी करवा दिया साथ में, गन्ने के जूस के साथ ना मज़ा आ रहा खाने में। जल्दी से फिनिश करता हूँ फिर निकलता राइट के लिए। तो यार दोस्तों यहाँ से लेफ्ट जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है कोटद्वार के लिए, और मैं तो जाऊँगा राइट, क्योंकि मेरे को जाना है हल्द्वानी। तो यूपी में कैंटर कर चुका हूँ, तो अभी मेरे को खुद नहीं पता यार मैं यहाँ के लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, बाकी मेरे को डर लग रहा है यार यहाँ पे, पता नहीं क्यों अजीब सा मेरा मन हो रहा है यार। एक तो अकेला हूँ ना, तो इस चक्कर में मैं डर रहा हूँ यार यहाँ पर। यहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, रोड का कुछ पता नहीं चल रहा। तो जहाँ मेरे को मैप ले जा रहा है ना, मैं वहीं जा रहा हूँ, देखते मैप मेरे को सही ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा। अगर इसने मेरे को डेस्टिनेशन में फंसा दिया तो मतलब सही ले जा रहा है, कभी कभी ना मैप भयंकर धोखा देता है, बहुत बार देखा मैंने। आए कर दो एक बार,
सर यहाँ लोग ना बैंक अंधाधुंध गाड़ी चला रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं होगा, मेरा हो जाएगा जो होगा। बहुत संभल के चलाना पड़ेगा यहाँ पे, और साइड बाय साइड यहाँ पे बच्चे भी जा रहे हैं स्कूल के। यूपी वालों के यार बड़े गजब के रिएक्शन आ रहे हैं यार। हाँ ये देखो दोबारा देख लिया, जय बंगोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई यूपी में ना बड़े गजब के रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के, साइकिल में चलता हुआ देख रहे हैं मेरे को, ऐसे देख रहे जैसे मैंने पता नहीं क्या कर लिया होगा, पर ठीक है यार रिएक्शन खतरनाक आ रहे हैं। आई डोंट नो यार रिएक्शन कैच, ये कैमरे में कैच हो रहे कि नहीं हो रहे वो तो तभी पता चलेगा जब मैं वीडियो चेक करूँगा। तो यार अभी अपने क्या मतलब यूपी वाले भाई लोग मिले जो कि रोज़ा बांट रहे थे, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार, जितने भी कांवड़ियाँ वाले हैं ना उनको रोज़ा पिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, तो एक मतलब हेल्प कर रहे हैं अपनी तरफ से सभी को रोज़ा पिला के। तो यार बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यही यही मतलब ना यही चाहता हूँ यार मैं बाहर जाके ना ये देखूँ यार क्या क्या होता है बाहर, मतलब कैसे लोग हैं क्या हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, अब मेरे को अच्छा लग रहा है यूपी में। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तो ये देखिए यार मैं हूँ अभी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, और अभी चलता ही जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं ना पैदल चल रहा था कांवड़िया वाले भैया के साथ, जो कि यहीं थोड़ी 50 किलोमीटर आगे उनका गांव है, तो उनके साथ ऐसे पैदल पैदल चल रहा था, बातें कर रहा था उनके साथ। तो भैया ने जूस भी पिला दिया मेरे को, थैंक यू सो मच भैया, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो। बस अब मैं निकल चुका हूँ आगे धामपुर के लिए, क्योंकि धामपुर यहाँ से है 25 किलोमीटर और टाइम हो चुका है 4, तो मुझे लगता नहीं है कि आज मैं हल्द्वानी पहुँच पाऊँगा, तो आज धामपुर में ही मैं स्टे करूँगा। तो जल्दी से धामपुर पहुँचते हैं और जगह ढूँढते यार कहाँ पर मैं स्टे करूँ, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा जल्दी। पर उससे पहले यहाँ का व्यू देखिए यार, गन्ने की खेती कर रखी यार हर जगह, गन्ने दिख रहे। आपको पता उत्तर प्रदेश में ना गन्ने और गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। चलते चलते मैं पहुंच चुका हूं टूल बूथ में। यहां पे देखो यार ये बोर्ड लगा हुआ, शेरकोट 26 किलोमीटर, जसपुर 66 किलोमीटर, काशीपुर जाना था आज मेरे को, पर वहां मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, 84 किलोमीटर लिखा हुआ है, और नैनीताल 188 किलोमीटर। तो नैनीताल तो मैं परसों ही पहुंचूंगा, फिलहाल मैं तो काशीपुर जाना था पर वहां भी नहीं पहुँच पाऊँगा, तो देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं, वहीं तक जाएंगे। काफ़ी देर से ना मैं चलता ही जा रहा हूँ, अब ना मेरे को जगह ढूंढनी पड़ेगी कहीं पे रहने के लिए, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 4:30, 5:30, और यार जगह ढूंढनी पड़ेगी वरना रात हो जाएगी और दिक्कत होगी यार बहुत ज़्यादा, दिक्कत हो जाएगी मेरे को बहुत ज़्यादा, जितनी जल्दी हो सके मुझे जगह ढूँढनी पड़ेगी। डर भी लग रहा है यार थोड़ी, क्योंकि अभी मैं यूपी के इलाके में ही हूँ, रात को रहने में डर लग रहा है क्योंकि सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, तो डर तो लगेगा ही, और इतने कांवड़ियाँ वाले चल रहे हैं, बाकी इनसे तो कोई ऐसे दिक्कत तो नहीं है, फिर भी देखो चलो क्या होता है, कहाँ पे मैं टेंट पिच करता हूँ या फिर क्या करता हूँ, जो भी है आपको पता चल जाएगा। भाई यार यहाँ पे कोई ऐसी जगह जहाँ पे मैं टेंट वगैरह पिच कर सकूँ, टेंट पिच करना था मेरे को, मतलब टेंट वगैरह लगाना था, कोई जगह है यहाँ पे?
बाकी जहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी मिल जाए मोबाइल चार्ज करने के लिए। आगे कहीं धामपुर है वो, धामपुर आगे ही है। ये जो ट्रैक्टर खड़ा ना, हाँ इससे थोड़ी सी दूरी पे ही है, इधर हाथ पे टेंट लगा टावर है। अच्छा, तुम्हें मोबाइल चार्ज वगैरह सब कुछ सिस्टम मिल जाएगा। यहाँ कहाँ पे? यहाँ से ट्रैक्टर खड़ा हुआ ना, वो सामने आ गई। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आओ? नहीं कोई दिक्कत नहीं, मतलब कांवड़ यात्रियों के लिए ही लगा हुआ है वो। अच्छा अच्छा, हाँ तुम्हें मिल जाएगा वहाँ पे जो चार्ज फोन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, रात को रहने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मैं ये बोल रहा है, मेरे को जैसे अभी अपना टेंट पिच करना है, ठीक है, मैं तो किनारे में लगा लूँगा, बट मेरे को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए थी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी क्या मतलब, मेरे को जैसे मोबाइल चार्ज करना है ना? ना यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे टेंट लगा लो बराबर वक्त लाइट की, टेंट लगा लो प्यार कुछ भी, और बिजली का है कोई सिस्टम? बिजली का कोई सिस्टम नहीं है, तार तो नहीं, तार अगर आपके पास डालो बिजली का ही, बिजली का मिली जाएगी। क्या 11,000 की 11,000 बिजली चली रही हो? बिजली है मगर तार आप डालियो ऐसे ऐसे, तार टूर तो मेरे पास नहीं है, पर इधर वहाँ जा रही कोने पे, वो कहाँ पे केबल ले जा रही है? हाँ हाँ लाइट है, क्या इसमें आराम कर लो, अंदर कोई दिक्कत ना। तो यार दोस्तों, रहने की जगह भी मिल गई मेरे को, और ये देखिए ये है लोकेशन, यहाँ पे ये कोई स्कूल है, सरकारी स्कूल धामपुर में, तो यहीं पे मेरे को किसी ने छोड़ा, बोला कि यहाँ पे सेफ जगह है, यहाँ पे तुम रह सकते हो। तो ये है पूरी जगह, और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी है। एक्चुअली मेरे को मेन था चार्जिंग पॉइंट चाहिए था, ताकि मेरा मोबाइल सब चार्ज हो सके। तो ये जगह मिल रही है, यहीं पे लेटूंगा, यहाँ पे अपना वो लगा दूंगा मैट, ये तो गंदा और क्या, बहुत ज़्यादा अजीब से लग रहा है, यहीं पे रह लूँगा। बाकी यार जल्दी से थोड़ी सी फ्रेश हो जाता हूँ, यहाँ पे ना नहाने के लिए भी है, नहाने के लिए क्या यार, हाथ मुँह धोने के लिए ठीक है यार, ना तो क्या ही सकता हूँ मैं, अगर नहाने के लिए होगा तो यार नहाने के लिए मैं अंदर नहा लूँगा, बाथरूम वगैरह भी बने हुए हैं यहाँ पे, तो जो भी है सब कुछ यहाँ पे मिल गया मेरे को। तो जल्दी से अभी फ्रेश हो जाता हूँ मैं, देन जो भी होगा आपको पता चल जाएगा, है ना। तो यार यहाँ पे मैंने मैट वगैरह लगा दिया है, ये तो गंदा हो रखा था, यहाँ पे मैट वगैरह लगा दी, तो बस अब फ्रेश हो जाता हूँ जल्दी से, और फिर आराम करता हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया यार, वीडियो एडिटिंग भी करनी है और आज ही डालनी है, तो बस हाथ में धोता हूँ पहले मैं। भाई साहब अब समझ आ रहा है ना भाई, रहने की इतनी दिक्कत, और चार्जिंग मतलब मोबाइल कैसे चार्ज करें, कैसे पावर बैंक चार्ज करें, बहुत सारी दिक्कत है भाई, बहुत सारी दिक्कत है। इसलिए मैंने बोला था जब जाऊंगा टूर पे तभी बताऊंगा कि यार क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो यही दिक्कतें आ रही हैं। और मुझे नहीं लग रहा मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ साइकिल खड़ी कर रखी, चोरी ना हो जाए सामान वगैरह, तो इसलिए समझ नहीं आ रहा यार क्या करूँ क्या ना करूँ। फिलहाल चलो यहाँ पे मैंने बैग वगैरह यहाँ पे रखा हुआ, सब यहाँ पे सामान सामान अगल बगल में रखा हुआ, ठीक है, जो भी होगा देखते हैं। बाकी नींद तो मुझे नहीं लग रहा है मुझे आएगी, मुझे वीडियो एडिट भी करनी है, और आज ही वीडियो डालनी है, आज डालूंगा या कल डालूंगा, मतलब कल शाम के 8 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, जो भी होगा दिख जाएगा आपको। फिलहाल मैं अभी क्या करता हूँ, अभी मोबाइल चला लेता हूँ थोड़ी, मैं घर में भी कॉल कर लेता हूँ, मम्मी मैं पहुँच चुका हूँ सेफ हूँ, ठीक है, और जब मैं डिनर करूँगा उसी टाइम वीडियो भी एंड कर लूँगा, तो मिलता हूँ मैं आपको डिनर के टाइम।